हम बात करेंगे कौशाम्बी जिला अस्पताल की हालत की। हालत यह है कि धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर इस कदर हैवानियत पर उतर आए हैं कि उन्हें जिला अस्पताल में आने वाले गरीबों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। कौशाम्बी जिला अस्पताल में डॉक्टरों का मरीजों के साथ व्यवहार इस कदर खराब होता जा रहा है कि गरीब मरीज बिना इलाज के ही घर लौट जाता है। वहीं कुछ मरीज निजी अस्पतालों की ओर रुक कर जाते हैं, जिससे उन्हें खासी आर्थिक हानि होती है। अपने की बीमारियों से परेशान मरीज अक्सर डॉक्टरों की बदतमीजी भी सहन करते हैं, लेकिन कई बार उनसे रहा नहीं जाता और मजबूरी में वे भी लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं। कौशाम्बी जिला अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीज सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनकी घोर लापरवाही से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, बावजूद इसके घोर लापरवाही बढ़ती जा रही है। पीड़ित मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। पंजीयन कक्ष ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी जा रही है। मरीज के परिजनों की शिकायत है कि दवा बाहर से महंगी मंगवाई जाती है, डॉक्टर द्वारा और मोटा कमीशन डॉक्टर को मिलता है। इन दिनों जिला अस्पताल में सामान्य स्थिति बना हुआ है, लेकिन चिकित्सक व मरीजों की मनमानी से फिर कोविड केस न बन जाए यह गंभीर चिंता का विषय है। शुक्रवार को ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लग गई थी। पहले इलाज कराने को लेकर मरीज कतार में सट कर खड़े हो गए थे। एक तरफ मरीजों की कतार लंबी होती जा रही थी। डॉक्टर और कर्मचारियों के बॉडी लैंग्वेज के व्यवहार और भाषा भी सही होना चाहिए। सर्वे करने आए हैं और यहाँ पे लोग से मिल रहे हैं, प्रॉब्लम उनकी ये जानने की कोशिश करते हैं। बताएं सर, मैं राम प्रसाद प्रजापति ग्राम भदवा का रहने वाला हूँ। कौशाम्बी जिला है मेरा, थाना कोखराज है। मेरा भतीजा का एक्सीडेंट हो गया था अजुआ में। मैं यहाँ लाया, बाहर से दवा स्टोर से मंगवाते हैं। जो दवा 200 का है वो दवा यहाँ बाहर जो है ना 1500 का 1600 का मेडिकल स्टोर में दिए जाते हैं। अगर हम बाहरी वही दवा लेके आते तो उसको दवा को नहीं लगाते हैं, करें यहाँ 1600-1700 रुपये वो दवा ला के लगाइए। यहाँ के डॉक्टर और कंप्यूटर की ये हाल है, जो नर्सें की ये हाल है, और चार यहाँ दवा नहीं मिलती है, सब बाहर लिखते हैं। हाँ, ये एक पर्ची भी दिए, ये पर्ची यहाँ, ये दवा जो है ना दूसरे मेडिकल स्टोर से बाहर ही मिलता है 200 रुपये का, और ये बगल में जो रहते हैं इसको देते हैं 750 रुपये का, 800 रुपये का। ये गरीब लोग अपना खेती बाड़ी बेच के, अगर इनके पास पैसा होता तो ये जिला अस्पताल में क्यों दवाई कराते हैं? आपका कौन भर्ती है? हाँ साहब, मेरा ये भतीजा भर्ती है, 47 का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट डंपर ने टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट कोई सुनाई नहीं होती है। ये यहाँ 4 दिन हो गए। तो यहाँ पे ये क्या CMS से आपने शिकायत किया यहाँ पे? और कोई सुनाई नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, जिसको जहाँ जाना हो जाइए, जहाँ वो करना हो करिए। अच्छा, आपने CMS सर से बोला है इस बारे में? मैं बोला हूँ, एक डॉक्टर साहब मौर्या साहब डॉक्टर, वो थोड़ा से ये गरीब आदमी का हमारा हेल्प किए हैं, जब डांटे फटकारे तो वो तो थोड़ा सा दवाई ये सही आया है, और नहीं तो कोई सुनते नहीं, लिख देते कहीं बाहर से ले आओ, और दूसरे मेडिकल स्टोर से जाते हैं दवाई लेने तो उसको लेते नहीं है, कहते वहीं से लेके आओ, क्योंकि इनका वहाँ कमीशन बंधा रहता है। बिमला प्रजापति बोल रही हूँ, ग्राम पतरिया है बिचारा, ये बाहर चल एक्सरे करवाए हैं, ये कोई इसके लिए रिपोर्ट कुछ नहीं बताई है, ये कह रहे हैं गलत है, दूसरा करवाइए, और मैं 400 रुपये की इसका करवा ले आई, तो यहाँ पे वहाँ पे ले गए, यहाँ से वहाँ सब नंबर लगाते रहते हैं, लेकिन कोई अच्छी दवा कुछ नहीं बताते हैं कि इसमें है क्या, कमर में दिक्कत। कौन भर्ती है? प्रजापति है। कौन भर्ती है? भर्ती नहीं हूँ मैं कमर का एक्सरे करवाई। हाँ, तो कोई सुनाई यहाँ पे नहीं करते, बोल रहे हैं कि 21 नंबर में जाओ, 20 नंबर में जाओ, 24 नंबर में जाओ, इसी तरह यहाँ हम जब भी आते हैं डॉक्टर्स के पास पीछे घूमते रहते हैं। हाँ, पेशेंट है हमारे, जो है पिताजी को लाए थे, जो है उनको प्रोस्टेट था, तो मतलब कि इन्होंने दवा किया, लास्ट में बोले कि यहाँ नहीं सही हो पाएगा, वहाँ ले जाओ, इलाहाबाद रेफर करवाओ। यहाँ हमने 8-10 दिन यहाँ रखा हुआ था और काफ़ी अमाउंट हमने वेस्ट कर दिया, 1-1.5 लाख रुपये हमारे चले गए, जो है कुछ डॉक्टर्स भी ले लेते हैं, और फिर यहाँ का कुछ जो मेंबर हैं यहाँ के रहने वाले पेशेंट, ये लोग कुछ आपस में मिले जुले हुए रहते हैं, तो बोलते तो इनका भी आपस में कुछ वो पैसे रहते हैं। नहीं, इसमें मतलब प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं हो, जो होना चाहिए था हॉस्पिटल में, होना चाहिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो नहीं हो पा रहा है, कहीं रेफर करवा दिया रहा है, लूट ऊपर से है, अब प्लस सही मदद नहीं मिल पा रही है, प्लस प्रॉपर जो सैनिटेशन है मतलब कि साफ सुथरा, ये सब कुछ क्लीनलीनेस है नहीं। आप देख लीजिए कोरोना का जहाँ पेशेंट अभी मैं गया, जो है इतनी गंदगी है भाई, कोई भी घुस जाए वो खुद ही मतलब अंदर जाने योग्य नहीं है। तो जो हॉस्पिटल में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ प्रॉपर है नहीं। मैं यही
मैं यही चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि स्ट्रिक्ट एक्शन लें और प्रॉपर व्यवस्था यहाँ करें और जो पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं उनको सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएं जो है, ताकि हमें इलाहाबाद या कहीं अन्य क्षेत्र हमें जाना ना पड़े। ये हमारी निवेदन है सरकार से। थैंक यू सर। हम अधिकारी से भी मिले थे लेकिन इतना हेल्प नहीं हो पा रहा है। किससे किससे बात किया था आपने? जो दीपक सर से, सर जी से, जो बड़े अधिकारी का नाम मुझे नहीं पता है, उनसे बात हुई थी लेकिन प्रॉपर हेल्प नहीं मिल पा रहा है। हम चाह रहे हैं प्रॉपर हेल्प मिले और प्रॉपर मतलब कि जो व्यवस्था है व्यवस्था यहाँ रहे। हमें क्यों यहाँ वहाँ दूसरे हॉस्पिटल में हम दौड़े प्रॉपर? अच्छा, वहाँ जो है मरीज, दीपक सेठ सर ने कहा था कि जो है मरीज हमसे बहुत संतुष्ट हैं, यहाँ के जितने लोग हैं मैं पूरे टाइम हमारे हाँ सर, जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे पिताजी भी एडमिट थे। मुझे नहीं लगता कि भाई इतना मतलब जैसे ये लोग कहते हैं वैसे लोग करते हैं जो है, तो इंटरनल जो है काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट को। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कुछ किया जाए जो है, ताकि हमें यहाँ रेफर ना किया जाए और प्रॉपर हेल्प मिला जाए और प्लस नीट एंड क्लीन हर चीज़ सुविधाएं मिला जाए जो अन्य हॉस्पिटल में मिलते हैं। सिर्फ मेरा यही निवेदन है। थैंक यू सर। नहीं, यहाँ कोई मदद नहीं मिलती है। एक दो दिन से भारतीय हम देख रहे हैं इनको। हमारा नाम रमेश कुमार, गाँव कादीपुर गाँव। हमारी सास भारती हैं। हाँ, वो झगड़े में उनको हाई बीपी बढ़ गई थी उनकी। तो यहाँ डॉक्टर साहब आपकी क्या मदद कर रहे हैं, बताएं इसके बारे में? डॉक्टर साहब तो फिलहाल दवा दे रहे हैं, दवा लिख देते हैं बाहर से लाओ और इंजेक्शन थोड़ा बहुत दे देते हैं जो है। अच्छा, तो कोई मदद यहाँ से नहीं मिल रही आपको? मदद मिल रही है साहब, फिलहाल जैसे मिलना चाहिए वैसे मिल नहीं रहे। स्टाफ अक्सर मरीजों पर गुस्सा निकालने लगते हैं जो कि सरासर गलत है।